जिस तरह से ठंड के कारण उत्तर भारत का पारा गिरता जा रहा है, ठीक उसी तरह से दिल्ली की सियासत का तापमान भी हाई होता जा रहा है, क्योंकि राजधानी में हुए कथित शराब घोटाले की आंच अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की फांस बनती जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के 3 बार नोटिस देकर बुलाने पर भी अरविंद केजरीवाल के जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होने पर राजनीति गर्मा गई है। आप नेताओं का आरोप है कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएम केजरीवाल को ईडी कभी भी अरेस्ट कर सकती है। ये पूरा केस सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है और अब हम देख रहे हैं कि इस षड्यंत्र के तहत ये कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा के चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि लोकसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी प्रचार ना कर पाए। यही कारण है कि जस्ट लोकसभा के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को समन पे समन भेजा जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि उनको समन कर क्यों रहे हैं। देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बिना सबूत के जेल में रखा गया है, बहुत लंबे टाइम तक रखा गया है। अब भी लगातार ऐसी खबर आ रही थी कि उनको अरेस्ट किया जाएगा। आपको पता ही है कि लोकसभा से पहले ये किसी भी तरीके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना चाहते हैं। ये हर इंडिया अलायंस के बड़े विपक्षी नेता के ऊपर ईडी समन भेज रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये उनकी मंशा थी। इस केस में 2 सालों से जांच चल रही है, 500 से अधिक विटनेसेस बुलाए जा चुके हैं, लेकिन 1 रुपए तक का सबूत नहीं मिला, 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। अब ये चाहते हैं कि ठीक लोकसभा चुनाव के पहले कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लें। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस के कई बड़े नेताओं पर ईडी की कार्यवाही चल रही है, उनको भी अरेस्ट कर ले ताकि मोदी जी को विपक्ष का सामना ना करना पड़े। इसीलिए ये अरेस्ट की जो बातें हो रही है वो कई दिनों से बीजेपी करती आ रही है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी हर इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। आपके इस बड़े और गंभीर आरोप के बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के समर्थन में पूरा विपक्षी गठबंधन खड़ा हो गया है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जांच एजेंसी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। क्या कुछ कहा सुनिए। मैं केजरीवाल जी को पहचानता हूँ, उनकी हिम्मत और जिगर में मालूम है। केजरीवाल किसी से डरने वाले नेता नहीं, लेकिन आप गलत करेंगे, हाँ आप मिसयूज करेंगे एजेंसी का और नेताओं को ईडी के दरबार में और दफ्तर में बुलाकर अरेस्ट करेंगे तो हम विरोध करेंगे। हम आपके पास अब तक 500 इस प्रकार की कंप्लेंट भेजी है जो बीजेपी में, आप उनको क्यों नहीं बुलाते? उनको तो आप कैबिनेट मंत्री बना दिया सबको महाराष्ट्र में और देश में। असम के मुख्यमंत्री के ऊपर कौन सी केसेस आप देखिए, महाराष्ट्र में कयास के मुख्यमंत्री हो और कैबिनेट के 10 सदस्य हैं जिनके ऊपर ईडी का वारंट और समन्स है, उनका क्या होगा? इनको बुलाइए, बाद में केजरीवाल और हमको सब बुलाइए। तीसरी बार ईडी के समन पर नहीं पहुंचने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने केजरीवाल का बचाव कुछ इस तरह किया। केजरीवाल साहब ने स्किप नहीं किया है, उन्होंने पहले भी पत्र लिखा, मेरी जानकारी मीडिया की ही जानकारी है, मीडिया से प्राप्त जानकारी है। उन्होंने रेफरेंस पूछा कि मुझे बुलाया जा रहा है किस लिए, मुझे ये तो बताइए कि किस लिए बुलाया जा रहा है तो उपस्थित होकर मैं सवाल जवाब करूं। ईडी ने अभी तक यही नहीं बताया है कि आपको किसके लिए बुलाया जा रहा है, किस रूप में बुलाया जा रहा है। केजरीवाल जी ने मेरी जानकारी में ये नहीं कहा कि मैं जाऊँगा ही नहीं, ईडी चाहे बुलाए चाहे मत बुलाए, ये तो केजरीवाल साहब ने नहीं कहा। उन्होंने लिखित में कहा कि मुझे लिखित में बता दीजिए कि मुझे किस लिए बुलाया जा रहा है, मैं उपस्थित होऊंगा, उन्होंने कभी नहीं कहा नहीं होऊंगा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी केजरीवाल के समर्थन में बयान दिया। केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए बोले कि ईडी सीबीआई बिना आदेश के काम नहीं करती, आज ईडी की कार्रवाई तो विपक्ष के खिलाफ आम सी बात है। सीबीआई किसकी इशारे पे काम करते हैं यह जगजाहिर है, लोग सब लोग ये जानते हैं कि ईडी सीबीआई बिना आदेश और निर्देश
वो कोई काम नहीं करने वाला है। तो आज समय आ गया विपक्ष के ऊपर हमला बर होने की, इसलिए हमला हो रहे हैं, ये बड़े मामूली बात बन गए हैं आज हिंदुस्तान में। वहीं कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ने केजरीवाल को लगातार मिल रहे समन को लेकर कहा कि ये लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए केंद्र सरकार कर रही है। देखिए ये तो जो है ईडी का कार्यक्रम चल ही रहा है, इसके पहले छठा हुआ, आप सुनते ही सातवां हो गया है। अब ये क्या किस तरह का नोटिस आया ये तो जानकारी है नहीं मुझे, पहले तो उसका जानकारी होनी चाहिए, अब उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री क्या करेंगे वो तो। देखिए ये तो पूरे देश में ही शय हो रहा है, अभी हम अखबार में देख रहे थे उधर आपका केजरीवाल का भी नोटिस हुआ है, उसके बाद आपका लालू जी के लड़के जो है तेजस्वी यादव उनको भी हुआ है। तो चुनाव को प्रभावित करने के लिए मैं समझता हूँ इस तरह का कार्रवाई जो है चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, और क्या इसमें सच्चाई है ये तो घर कर बात नहीं आएगा। दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले में पार्टी के दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही जेल की हवा खा रहे हैं, ऐसे में केजरीवाल को लेकर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। We'll be right back.